सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। पूरे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद और उसके अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। हम आज यहाँ उल्हा गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ खड़े हैं भरत शर्मा जी। इनको वेस्ट डिकम्पोजर जो कि हमारे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंदा जी ने बनाया है, वो दे करके गए थे। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस जब वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया तो इनकी फसल पे क्या प्रभाव उसका आया। तो भरत शर्मा जी, बताइए कि आपने इस वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल किस फसल पर करा? हम तो मकई पर किए हैं। अच्छा, गेहूं पर किए हैं जी। तो मकई और गेहूं पे जब आपने इसका इस्तेमाल किया तो आपको क्या प्रभाव दिखा? इससे तो हमको अच्छा लगा। फसल जो है सो हमारे आपके सामने हम दिखा रहे हैं, फसल ठीक है। अच्छा, और कीड़े मकोड़े ये सब? कीड़े मकोड़े नहीं लगा है। नहीं लगा है तो आप क्या संतुष्ट हैं वेस्ट डिकम्पोजर के? जी, हम संतुष्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।